नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। ऐसा लगता है कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान की कुंडली में ही कोई दोष है। जी हां, जहां एक तरफ पाकिस्तान की आवाम महंगाई की मार से तड़प रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई देश पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कि आम जनता बेहद परेशान है और चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। वहीं हुक्मरानों के हाथ पांव फूले हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। कहने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। कभी भी दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान। असल में ये चोर है, हम वो चोर है। क्या वजह है कि जैसी आवाम है वैसा हुक्मरान है। पाकिस्तान में आसमान पर पहुंची महंगाई। जौन सा आता है वही लूटता है। नहीं तो फिर हाल क्या है ये बताए ना। हाल ये आवाम निकाले, आवाम सोई हुई है। पाकिस्तान में दूध चिकन मिल रहा बेहद महंगा। देखिए अब हम क्या करें, पाकिस्तान लोगों को तो वैसे ही जलील करते हैं। वो हमारा मतलब इज्जत ही नहीं है, किधर भी इज्जत नहीं है। किन की वजह से? ये हुक्मरानों की वजह से। पाकिस्तान में अभी और बढ़ेगी महंगाई। अच्छी कुछ है, कोई अच्छी चीज याद करके बताएं कि ये अच्छा है इस मुल्क में। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आए, कुछ भी नहीं अच्छा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी में है। पाकिस्तान में पहले से ही रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। खिचड़ी बना हुआ है, इस लोगों ने बनाया। वो एक इमरान खान सही था, सबको कटहरे में खड़ा कर बांसी करना था। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आवाम को शहबाज शरीफ सरकार हर रोज एक नया झटका दे रही है। अभी पिछले दिनों ही एक बार फिर से बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी जनता पर आफत बनकर गिरी है। अब पाकिस्तानी आवाम दिन गिन रही है कि कब शहबाज शरीफ सरकार का महंगाई बम उनके ऊपर फूटेगा और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। घर चलाने में मुश्किल तो नहीं हो रही आज? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले हम नाश्ता लेने जाते थे ना तो 250 का आ जाता था, ठीक है, पूरे घर का। हाँ, मतलब जितने बंदे थे। तो अब लेने जाए 6 अंडे, 1 ब्रेड, मतलब तो 7, मतलब 1 बंद लेने तो 500-550 लग जाते हैं। पहले ये 250 में आ जाता था। अब भी देखे रात को लेने का ही मिला ही नहीं है। उन्होंने शार्ट करके रखा हुआ है, वो नहीं दे रहे। वो जब महंगा होगा ना, वो कह रहे हैं 600 का होगा एक पैकेट। जब वो 600 का होगा ना, फिर वो निकालेंगे। मैंने दुकानदार से कहा आप क्यों नहीं निकाल रहे, कहते पीछे से ही नहीं आ रहा। आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से कर्ज की भीख मांग रही है, लेकिन फिलहाल IMF ने $1 अरब के कर्ज देने पर चुप्पी साध ली है। इधर पाकिस्तान में शहबाज सरकार अध्यादेश लाकर IMF की शर्तें मानने का दावा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के कटोरे में अभी तक भीख पड़ी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जनता के बीच कोहराम मच गया है। आटे से लेकर दूध और चावल तक की कीमतें आसमान छू रही है। हाउस वाइफ है आप जी? तो हाउस चल रहा है? नहीं चल रहा आजकल? चल रहा है हाउस, लेकिन हम लोग कोयटा से आए हैं। अच्छा, यहाँ घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन यहाँ के हालात बहुत मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किलात हो गए। गैस की वजह से सर्दी भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा हो गई है। बस कुछ बोलते हैं ना, हुकूमत वो हो गई है, यानी चोर हो गई है। पाकिस्तान में आटा फिलहाल 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, चावल 200 रुपए किलो, दूध 150 रुपए लीटर, आलू 70 रुपए किलो, टमाटर 130 रुपए किलो, 1 किलो चिकन की कीमत बढ़कर 700 रुपए जा पहुंची है और पेट्रोल 250 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं पाकिस्तान में सामान्य चाय पत्ती की कीमत बढ़कर 1600 रुपए किलो पहुंच गई है, क्योंकि दूसरे देशों से मंगाई गई चाय पत्ती की खेप बंदरगाह पर अटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार का खजाना खाली है और भुगतान नहीं होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इतने बुरे हालात हो गए हुए हैं, बस खर्चा ही बहुत बुरा हो रहा है। घर वाले जब घर जाते हैं तो घर वाले क्या लड़ाई होती, कहते खर्चा दो। अच्छा, हम कहते हैं नहीं।
वो कहते हैं आप खर्चा दो या फिर घर से जाओ, हम क्या महंगाई इतनी हो गई है। ये सब चोर हैं, जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, हम लोग पागल है जो उनसे हम इनको वोट देते हैं। परेशान पाकिस्तानियों का हाल इतना खराब हो चुका है कि वो एक एक दिन गिनने पर मजबूर हैं। वहीं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मीम्स खूब वायरल हो रहे हैं। अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान में खाने पीने और इलाज के लिए अस्पताल सब खस्ता हाल है और पाकिस्तान की उस बदहाली का हाल दुनिया तक ये कलाकार पहुँचा रहे हैं। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। मेरे ख्याल पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। दरअसल पाकिस्तान में आईएमएफ की ओर से मिलने वाले कर्ज का भी कोई पता नहीं है और हुकूमत अध्यादेश लाकर बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगा करने वाली है। हकीकत ये है कि पाकिस्तानी जब रोटी के बिना तड़पने लगते हैं तो शहबाज सरकार गेहूं का इंतजाम करने दौड़ती है और जब रोटी मिल जाती है तो पेट्रोल खत्म होने लगता है, पेट्रोल का जुगाड़ होता है तो रसोई गैस खत्म होने लगती है, जब रसोई गैस का इंतजाम होता है तो बिजली गुल हो जाती है और जब बिजली बहाल की जाती है तो फिर फंड का अकाल पड़ जाता है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 1998 के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, ये केवल 3 अरब डॉलर रह गया है। इससे पाकिस्तान में आयात के लिए एक महीने का भी पैसा नहीं बचा है। यही कारण हो सकता है कल को अगर सिविल वार होता है पाकिस्तान में तो यही है कि ये इसके बावजूद कि आज इकोनॉमिक कंडीशन खराब है फिर भी अमीर बढ़ते जा रहे हैं और फिर जब हालात इतने खराब हैं देश के कि आपकी लग्जरी जो कार हैं उनके इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपको फौरन जो रिजर्व देने पड़ेंगे वहां पर दूसरे देश को, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और इसी प्रकार जो दूसरा एक चीज है कि जब इतनी बुरी हालात है फाइनेंशियली, पाकिस्तान की आर्मी का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, पिछली बार से अभी जो 21 से 2022 में 15% बढ़ा था, 2 से 3% ये जीडीपी का हिस्सा लेते हैं। उधर शहबाज शरीफ और भुट्टो के खानदान को लुटेरों का खानदान बताने वाले इमरान खान ने अब पाकिस्तान की बदहाली के लिए फौज को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। जिस जनरल बाजवा की तारीफों में इमरान खान कभी पीछे जाते थे आज उसी बाजवा को पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बड़ा अच्छा जुमला बोला आपने, मैंने कहा जी वो तो ये कह रहे हैं ये चोर हैं, वो कहते हैं ये चोर हैं, असल में चोर कौन है? असल में जो चोर है वो चोर है। हाँ। क्या वजह है कि जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है। हाँ। असल बात ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने की बकौल के मियां साहब के दूसरे बरादर ने 30 साल हुकूमत की है, चोर है, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, 30 साल चोरों, लुटेरों, गुंडों ने हुकूमत की, मुल्क को कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इमरान खान साहब ने 4 साल गवर्नमेंट की, मुल्क का सत्यानाश। पाकिस्तान के एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान ही अपनी बर्बादी को रोक सकता है क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली को आईएमएफ का लोन भी खत्म नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पाकिस्तान की आवाम दिन गिन रही है कि कब शहबाज शरीफ सरकार का महंगाई बम उनके ऊपर फूटेगा और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक झटके में धड़ाम हो जाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 अरब डॉलर तक गिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला 1 अरब डॉलर का कर्ज मिलने वाला था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इधर शहबाज सरकार अध्यादेश लाकर आईएमएफ की शर्तें मानने का दावा कर रही है लेकिन पाकिस्तान के कटोरे में अभी तक भीख पड़ी नहीं है। पाकिस्तान को अभी नहीं मिली आईएमएफ से भीख। करोड़ों लोग होंगे बेरोजगार और आएगी भुखमरी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गंभीर चेतावनी।
नवाज शरीफ साहब अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करें और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करें और इसे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया ये मुल्क। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूं शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई, यकीन रखना कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। पाकिस्तान और IMF के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर बातचीत अब खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसे जल्द ही कर्ज की एक और किस्त मिल जाएगी, लिहाजा पाकिस्तान में एक और मिनी बजट आ सकता है। इसमें शहबाज शरीफ सरकार टैक्स बढ़ाकर पाकिस्तानी आवाम को एक और कड़ा झटका दे सकती है। हालांकि ये उपाय अगले कुछ महीनों के लिए ही लागू होगा। पाकिस्तान में आने वाले वर्षों में लगातार बजट घाटा 5% से ज्यादा रहने का अनुमान है, वहीं महंगाई लगभग 20% रहेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मिनी बजट और IMF की किस्त कंगाल पाकिस्तान की समस्या का समाधान कर सकती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से समझौते का ड्राफ्ट मिल चुका है और जल्द ही इसे हल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री इशाक डार ने ये भी कहा है कि IMF की कुछ कड़ी शर्तें हैं जिन्हें हमें मानना होगा और ये देश हित में है, और अगर हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई नहीं बचा सकता। जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है या जो इसकी जो आउटकम है, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं कि हम उनको रिफॉर्म करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे ये इकोनॉमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईसे से 47 बना दिया और कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं, जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। इधर पाकिस्तान तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2.91 अरब डॉलर रह गया। पाकिस्तान को आने वाले महीनों में 9 अरब डॉलर की विदेशी कर्ज की किस्त चुकानी है। महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की आम जनता पर आने वाले दिन और मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। पाकिस्तान के सामने IMF ने लोन देने को लेकर जो शर्तें रखी हैं, उनमें सब्सिडी खत्म करना भी शामिल है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान सब्सिडी को कम करे और अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे। IMF स्थायी राजस्व उपायों पर जोर दे रहा है, जिसमें GST को 17 से बढ़ाकर 18% करना, पेट्रोलियम तेल उत्पादों पर GST लगाना जैसे उपाय शामिल हैं। इस बीच IMF की पाकिस्तान के सामने एक नई डिमांड सामने आई है। IMF ने पाकिस्तान को महंगाई से लड़ने के लिए अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने को कहा है। हाल ही में हुई स्टाफ लेवल मीटिंग के दौरान IMF ने ये डिमांड रखी थी। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि उन्हें ब्याज दर कितना बढ़ाने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय बैंक IMF को कम दर पर सहमति के लिए मना रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों पक्षों में कोई बात नहीं बन सकी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अगर सरकार IMF की शर्तों को मान लेती है तो ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी होगी। तो फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर के रेट आसमान छू रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है कम से कम 30% से ज़्यादा चला गया है। कॉमन मैन सड़कों पे हैं, उनको खाना पीना कुछ नहीं मिला। ऊपर से बिजली की जो कटौती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पंजाब के अलावा, चाहे वो सिंध है या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर कम से कम 10 से 12 घंटे का अभी ब्लैकआउट है, पावर कट होता है। इसी प्रकार POJ के, और अगर आप देखें गिलगित बाल्टिस्तान में, तो वहाँ बिजली 2-3 घंटे आती है। तो ऐसे में बहुत बुरी हालात है आज की तारीख में पाकिस्तान पर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल भी जाए तो उसका आर्थिक संकट खत्म नहीं होने वाला है। उधर पाकिस्तान के कई दिग्गज बिजनेसमैन ने शहबाज सरकार को चेतावनी दी है
कि अगर आयात पर लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने से देश में भुखमरी का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ पाकिस्तान की माली हालत खस्ता हो चुकी है, पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान के नेता पाकिस्तानी फौज के डर से मुंह खोलने से कतराते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज पर भी सवाल उठने लगे हैं। नया विवाद इमरान खान और पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बीच शुरू हुई जुबानी जंग पैदा कर रही है। जनरल बाजवा ने कहा है कि अगर इमरान कुछ दिन और प्रधानमंत्री रह जाते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहा है। 11 फरवरी को ही टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में हमला करके 4 सैन्यकर्मियों समेत पेट्रोलियम कंपनी के 22 लोगों को ढेर कर दिया। और तहरीके तालिबान ये दावा भी करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने तक उसकी ये जंग जारी रहेगी। आए दिन पाकिस्तान का छोटा तालिबान पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़कर उनके पोस्ट पर कब्जा करने के दावे करता रहता है। और जब पाकिस्तान की यह हकीकत अवाम तक पहुंचती है तो पाकिस्तानी फौज की बुजदिली पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में फौज के दोहरे रवैये पर सवाल अवाम के अंदर तो काफी पहले से उठते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज को लेकर सीधे सियासी बवंडर शुरू हो गया है। खासकर टीटीपी ने जब पेशावर की मस्जिद में हमले करके 100 से अधिक पुलिस वालों को मार गिराया, तब से शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान के बीच तलवारें और खिंच गई हैं। अब इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार से लेकर पाकिस्तानी फौज की कमजोरी पर ही सवाल उठा दिया है। जब शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान को तालिबान खान बताकर टीटीपी को बढ़ावा देने और उससे बातचीत करने के लिए सीज फायर करने के आरोप लगाए तो अमेरिकी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की फौज कहाँ है, पाकिस्तान की आईएसआई कहाँ है, क्या ये आतंकवादियों के फिर से जमा होने का पता नहीं लगा सके, इसके लिए हमें कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान पर आतंकवादियों के हमले के बाद शुरू हुई सियासत में अब आरोपों पर आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के बीच शुरू हो गई है। जनरल बाजवा का कोई एक उन्होंने सहाफी को बयान भी दिया है कि हमने किस वजूहत से गिराई थी गवर्नमेंट, तो वो मान गया रेजिम चेंज का, तो इन्होंने मिलकर गिराई थी, उसके बाद सब इकट्ठे रहे। देखिए इनके ऊपर बिल्कुल अब बल्कि फौज के अंदर बैठ के इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके अपने बयान जो इन्होंने दिए हैं तो और बड़े फखर से और बड़े एक तकब्बर से कि मैंने फैसला किया कि मुल्क के ये हालात थे, जिस तरह के वो कोई मायशत के एक्सपर्ट्स, तो इसके ऊपर अंदर सोचना चाहिए कि देखिए इससे हुआ क्या, अवाम और एस्टेब्लिशमेंट फैसले बढ़ गए। ये उसी इमरान खान के बयान हैं जिन्होंने जनरल बाजवा को दो दो बार एक्सटेंशन दिया था, जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांधते रहते थे और आज उसी बाजवा को इमरान खान देशद्रोही मानते हैं। दूसरी ओर जनरल बाजवा ने भी कह दिया है कि अगर इमरान के हाथों में पाकिस्तान की गद्दी रह जाती तो मुल्क का नामो निशान मिट जाता। जनरल बाजवा ने इमरान पर पलटवार करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत मुल्क के लिए खतरा थी, अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बने रह जाते तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाता। दरअसल जनरल बाजवा की साठगांठ से ही इमरान खान ने हुकूमत पर कब्जा किया था। चुनाव में घालमेल करके बाजवा ने इमरान को अपना पिट्ठू बनाया था, लेकिन जब इमरान खान बाजवा के कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो बाजवा ने जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर इमरान खान से छीन कर शरीफ बंधुओं की मुट्ठी में डाल दी। इसी खुन्नस में अब इमरान खान ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरों और पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।